गोवा एक ऐसी जगह है जो आपकी ट्रैवल लिस्ट में हमेशा होती है। तो बस मैंने भी बैग उठाया और हो गया रेडी। लेकिन एक मिनट, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, ये कोई बैचलर्स ट्रिप नहीं है, फैमिली ट्रिप है। तो एक बैग से हो गए चार बैग और बीवी बच्चे समेत हो गया रेडी। तो ये गोवा ट्रिप इन्फॉर्मेटिव से ज़्यादा एक फ़न ट्रिप होने वाली है। तो बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस जर्नी में, जिसमें हम कवर करेंगे नॉर्थ एंड साउथ गोवा बोथ। बैग भी ऊपर से देना हाँ, ऊपर से बैग दे देता हूँ। हो गई ऑल सेट। शानू पता है वो जो फ्लाइट ने बाय डिफॉल्ट कौन सी वाली सीट दी है हमें अभी? सबसे लास्ट वाली एक ही लाइन में। हाँ जी, फाइनली पहुंच गए एयरपोर्ट। सामान से आना। तो हम अपने टाइम से थोड़ा सा पीछे थे, तो जल्दी जल्दी सामान उतारा और मेन गेट से एंट्री की। सर सिक्योरिटी चेक इन उधर वहाँ से भी जा सकते हैं? चलो आओ, सिक्योरिटी चेक इन यहीं से करा लेते हैं। चलो जी, और सिया प्ले जोन भी है। क्या सिया बाबा, आप इनसे बड़े हो? यहाँ पर खेल लो तुम, रहने दूंगा नहीं। खेल लो और क्या सिया, यहाँ पे खेल लो। क्या कह रहे थे सिया अभी आप? ये मेरा सपना है क्या? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि अभी ये सपना चल रहा है? तो हमारी फ्लाइट है अकासा एयर, तो हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं अकासा एयर से, तो देखते हैं कैसी रहती है फ़्लाइट। तो थोड़ी देर एयरपोर्ट पे टाइम पास करने के बाद कुछ खाने के लिए ले लिया, और इससे पहले हम वो खाते फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट हो गई। चलो भाई, फाइनल कॉल का आ गया है। फाइनल कॉल शाम अपने बोर्डिंग पे बोल रहे हैं। कितने लोग हैं आप? फाइव। ये रास्ते में जो स्टेशन आएगा ना, वहाँ से फिर कुछ और लेना है, ठीक है? अरे मोटू पतलू, स्टेशन आता है और खिड़की से हाथ बार मत निकालना। प्लेन में बोर्ड करने के बाद जो भी एक्साइटमेंट थी, हमें क्या पता था वो सब पोपट होने वाली है, स्पेशली सिया के लिए। सिया सोच के बैठी थी कि विंडो सीट पे मज़े करेगी, लेकिन बेचारी की विंडो सीट पे विंडो ही नहीं थी और सिया का बहुत मूड अपसेट हो गया। लेकिन थोड़ी देर में जब सिया कनिका वाली सीट पे गई, तब जाके सिया का मूड ठीक हुआ। अकासा एयरलाइन रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है, तो अपनी आदत से मजबूर मैं पूरे प्लेन की R&D पे निकल पड़ा और पाया कि इसमें तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे मोबाइल होल्डर, चार्जिंग पोर्ट और सीट्स में काफ़ी अच्छे कुशंस हैं। बाथरूम भी स्मॉल, नीट एंड टाइडी। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी सी पेट पूजा की और फिर थोड़ी देर सो गए। अभी पुश बैग हुआ है, पुश बैग है ना? पुश बैग मतलब अभी पीछे फ्लाइट हुई है, अब रनवे पे जाएगी फ्लाइट। रनवे मतलब जिसमें से टेक ऑफ करते हैं। सिया 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 कह रही है ये रुका क्यों हुआ है? बस फिर थोड़ी ही देर में हम गोवा की धरती पे लैंड कर गए। जी कर गए हैं हम लैंड गोवा के न्यू एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा मोपा पे। दूर दूर तक प्लेन लैंड। पता है बस कितना ट्रैवल करेगी? बस जो है सिर्फ यहाँ से लेके आगे से यू टर्न लेके हमें यहाँ उतारेगी। हम यहाँ से वहाँ तक पैदल नहीं जा सकते। तो अकासा एयर का जो प्लेन है बहुत सुंदर बनाया हुआ है। आ जाओ, बस हमें छोड़ के जाने वाली थी। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। हाँ सिया देखो कितनी सुंदर रंगोली बनाई हुई है। गोवा मोपा एयरपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। हमारे पास थोड़ा और टाइम होता तो यहाँ थोड़ी देर और रुकते।
तो जल्दी से हमने अपनी कैब बुक करी और निकल पड़े अपने होटल के लिए। हाँ, रेड कलर की अर्टिगा। तो बस हमने यहाँ से टैक्सी बुक करा ली है, अभी टैक्सी आ रही है हमारी उधर कहीं से, रेड कलर की टैक्सी। शानू, इतनी न्यू कंडीशन अर्टिगा में पहली बार बैठा हूँ। गोवा की बात ही कुछ और है। अप्रैल की गर्मी के बावजूद इन रास्तों से वो गोवा वाली वाइब्स आने लगी थी। बस देखते ही देखते थोड़ी देर में हम अपने होटल पार्क इन बाय रेडिसन पहुंच गए, जो कैंडोलिम बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं हमारी, लेकिन अभी बात ये है कि हम 12 बजे पहुँचे हैं, 12:15। चेक इन टाइम 2 बजे है और पूरा बुक्ड है, अवेलेबल नहीं थे रूम्स, तो उन्हें हमें थोड़ा 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा। इतने घूमते हैं आसपास और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये रहा पूल, पूल पूल पूल, इसमें बहुत मज़े करने वाले हैं हम आने वाले दिनों में। यहाँ पे हम 4 नाइट्स हैं, तो इनमें से हमारा जो है पूल व्यू रूम है, तो शायद इनमें से किसी में होना चाहिए हमारे रूम्स। रूम्स हैं इधर भी, रूम्स हैं, ये पूल है। तो अभी और टाइम लग रहा है चेक इन में, 1 बज गया, 1 घंटा और शायद वेट करना पड़ेगा। तो इतने हम अपने होटल से निकल के पास में ही मार्केट में होके आते हैं। तो वहाँ पे होटल में बैठे बैठे क्या करते, तो पास में ही मार्केट हमने एक्सप्लोर करी और वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लिया और सनस्क्रीन ली। अब हमने खाना भी खा लिया, छोटी मोटा सामान भी ले लिया, अब हमारे चेक इन का टाइम भी हो चुका है। तो सिया और मैं सबसे पहले आ रहे हैं अपने रूम पे जाने के लिए, तो चलिए आपको भी रूम टूर कराते हैं और हम भी पहुंचते हैं। सिया को तो बस पूल के लिए एक्साइटेड है और बीच के लिए है ना सिया, चलो मतलब नहीं है। ओके सिया, तो मिल गई हमारी रूम कीज, तो चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर ऊपर, हमारा ऊपर है बेटा। तो चलिए, सिया को की लगाने का बहुत शौक है अपने रूम में, तो सिया की लगाएगी अभी। सिया ये लो, ये हमारा एक ये रूम है और एक ये रूम है। हाँ लो, हाँ लो, हाँ लगाओ, वेरी गुड सिया। हाँ, तो इससे पहले सब कुछ बिगड़े मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। तो एंटर करते ही सामने यहाँ पे एक डेस्क दी हुई है बैठने के लिए, और एक ये लिविंग रूम है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। अभी मैं आपको बाहर का भी सीन दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ लगेज रखने का सामान है, ये क्यों नहीं खुल रहा। ओह, ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, नीट क्लीन अच्छा है, इसे देख लो। अच्छा है ना सिया, यो ठीक है जी। अभी बताएंगे सिया, रुक जाओ, ये टीवी हो गया है ना, और ये रहा हमारा किंग साइज बेड। सिया अच्छा लगा आपको ये? बहुत अच्छा। और ये यहाँ पे मिरर है। अब मैं एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ, ये डा 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 टेने टीवी इधर आ गया, ये मिरर उधर चला गया। और ये रही हमारी बेलकनी, बेलकनी है ये हमारी, ये रहा सामने पूल है, ये बार है, ये पूरा होटल है। इसे बहुत मजा आ रहा है, सिया को बहुत मजा आ रहा है, सिया को बहुत मजा आ रहा है। तो कुल मिला के ये है, और साथ में यहाँ पे कवर्ड है, ये आपको सपना लग रहा है सिया ना। टी मेकर हो गया, और यहाँ पे फ्रिज हो गया, फ्रिज खाली है। चलो जी, सिया और मैं हो गए रेडी सबसे पहले पूल में जाने के लिए। मजे करेंगे, चलो जी चले अब पूल के अंदर।
सिया आप यहाँ पे आ सकते हो, वैसे यहाँ पे हाइट कम है। ओ ये सिया, अच्छा अच्छा अच्छा। बस अब नहा लिए हम पूल में और सिया भी नहा ले ही है। सिया मज़े आए? बहुत मज़े आए, सिया को, मामा को और मुझे बहुत मज़े आए, आनंद। चले सिया वापस अब। तो अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकले हैं शाम को बीच के लिए। तो हमारा कैंडोलिम बीच पे ही है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, 600 मीटर। तो बस अभी कैंडोलिम बीच पे जाएंगे। आज का सनसेट तो मिस हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो गए रेस्ट करने में। और शाम को बहुत अच्छा हो रहा है, कलरफुल हो गए हैं, है ना, बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग होने लगी है। हाँ बोलो, अब बोलो क्या कह रही थी। मुझे सारे ट्रीज आगे पीछे। नहीं बेटा अब बताऊंगा, अभी आगे से जाके लेफ्ट है वहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमें पहला व्यू दिख गया है ओशन का, भी आपको दिखाते हैं। और मतलब पहली बार जब देखते हैं ना एकदम से मतलब मज़ा सा आता है। ये सामने देखो, इतना पानी जमा हुआ है। हाँ सामने हमारे ओशन है, सामने वो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वो रहा। वाह सिया, आहा वाइब सारी। ये रेड सैंड है, रेड सैंड मतलब लाल। ये सिया पहुंच गए हम ओशन पे। मैं नंगे पैर भी चल सकती हूं। वाह सिया, हां यहां उतार दो, यहां उतार दो। ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया, आपको मोबाइल में थोड़ी ज़्यादा रोशनी दिखाई दे रही है, नहीं तो वैसे तो ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और अब शाम का माहौल कुछ ऐसा हो गया है कैंडोलिम बीच पे। कैंडोलिम बीच बेसिकली थोड़ा कम क्राउडेड होता है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है। अगर आप कैलिंगुट जो पड़ेगा मेरे उस तरफ वहाँ जाएंगे रात को तो ज़्यादा हैपनिंग होता है। कैंडोलिम बीच से निकलने के बाद बस वहीं की मार्केट में एक लाइव म्यूजिक वाले रेस्टोरेंट में डिनर के लिए हम बैठ गए। तो बस ये तो गोवा ट्रिप की शुरुआत है, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। और जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।